रेमोना के मंत्री चौक पे नेशनल कांग्रेस की जानिब से आम इंतखाबात 2024 के मद्देनजर एक शानदार बैठक मुनक्किद किया गया। बालासोर के कांग्रेस एमपी उम्मीदवार श्रीकांत जेना और रेमोना के साबिक एमएलए इस बार के कांग्रेस की जानिब से रेमोना एमएलए उम्मीदवार सुदर्शन जेना की कयादत पे चल रहे इस आम मीटिंग में स्टेज पर सीनियर लीडर और रेमोना के साबिक एमएलए प्रदीप पंडा, वरिष्ठ एडवोकेट मनोज कुमार नायक, कांग्रेस के जिला सदर संजीव गिरी, रेमोना ब्लॉक के सदर तरुण दास, जिला यूथ सदर रंजन दास, सीनियर लीडर राम नारायण सतपति, सीनियर लीडर श्रीकांत पति, प्रेम रंजन पात्रा, अक्षय मलिक, अरुण जेना, कुमुदनी दास, विकास कुमार दास, निरंजन बेहरा, कुनाई बेहरा और प्रदीप दास नुमाया तौर पर मौजूद रहकर कांग्रेस की खूबियों के बारे में बताया। रेमोना के कांग्रेस एमएलए उम्मीदवार श्री सुदर्शन जेना ने अपने खिताब में कहा कि हमें इस मुल्क के हिंदुस्तान को, अपने शहर और गांव को नफरत वाली सरकार से मुक्ति दिलानी है और इस बात को साबित कर दिखानी है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई देश के हैं हम चार सिपाही। इस आम बैठक में सैकड़ों महिलाएं और मर्द हजरात मौजूद रहे। प्रोग्राम को कामयाब बनाने में शेख राजू, शेख मुन्ना, स्टालिन मिश्रा, जगदीश और आदिल के साथ कांग्रेस के तमाम नौजवान लीडर ने अपना अपना ताउन पेश किया। जबरदस्त मीटिंग रखाई थी मंत्री छक कौन कमिटी देखुंट माहौल मैंने देखे जानपर थे 2024 निर्वाचन एक साधारण निर्वाचन नुहे। प्रश्न उठुची देशर संविधान गणतंत्र सार्वभौमत्व को रखिया पाई ये होची मो निर्वाचन लड़े ये लड़े होची रेमुना माटीर 2009-14 विधायक थिला बेले जो विकास थिला जो विकास टा ठप हेची से विकास पाई होची मोर होची लड़े ये लड़े होची रेमुना माटीर स्वाभिमान शह शह वर्षर भाईचारा संपर्क को हिंदू मुसलिम शिख ईसाई भारत वर्ष के चार सिपाही जो नाराबाजी समस्त को एक रजुरे बांधि रखापी मोर जो स्वप्न ताको सफल करने रेमुनावासी पाखु मो आशीर्वाद चाहूँचे जे पुणी थे 2009 जमती भाव मत आशीर्वाद करें 2024 निर्वाचन में ठीक से ही भाई रेमुनार मत आउ थे विधानसभा को पठातु आशीर्वाद करूँ रेमुना मटीपाई जीवन थिबा पर्यंत जीवन रेष रक्त थिबा पर्यंत मोर लड़ई जाहिर रहिबो ये हो मोर आज प्रभु खिरीचरा माटी रे मोर संकल्प। नाजिकराम आदाब, नाजिकराम इस वक्त हम बालासोर के रेमोना मंदिरी चौक पे मौजूद हैं। यहाँ पे जबरदस्त तरीके से कांग्रेस की जानिब से एक आम जो है मीटिंग रखा गया है। यहाँ पे जो है सुदर्शन जेना जो मतलब साबिक एमएलए हैं रेमोना के रह चुके हैं, इस बार वो कांग्रेस से उम्मीदवार हैं और उनका जो है जबरदस्त तरीके से यहाँ पर बैठक हुआ है। तमाम जो है लोग यहाँ पे पहुँचे हैं। तो यहाँ पे सीधा हम बात करना चाहेंगे कि माइनॉरिटी के कुछ लोग हमारे साथ हैं, तो इस वक्त माहौल किस तरह चल रहा है? सुदर्शन सर को क्या आप लोग इस बार सपोर्ट करने वाले हैं या किस तरह का माहौल रहेगा? नहीं, माहौल हम लोग विश्वास से इसी चीज़ के लिए करते हैं सुदर्शन जैना को। सुदर्शन आगामी जो सब पहले जो एमएलए थे गया 14 में, तो 9-6-14 में उस टाइम का टाइम में श्रीकांत जैना एमपी थे और उस श्रीकांत जैना का एमपी का दरमियान में आप लोग को मालूम होगा, आप लोग देखे होंगे ये एम्स, ये नौसी, ये मेडिकल कॉलेज, ये तमाम विकास जो हुआ है इन दोनों का जोड़ीदार का अंदर में हुआ है। ऐसा नहीं जो इसको कोई बीजेपी सरकार कह के, हमारे कांग्रेस सरकार का माध्यम में इन दोनों का जोड़ी, यानी कि बीजेपी में ये थे उजंडा कौन सुदर्शन जैना और एमपी थे हमारे कांग्रेस का श्रीकांत जैना, इन दोनों का जोड़ी में ये विकास बहुत सारा काम हुआ है। तो इस हाल को, इस नज़र को मध्य सामने रखते हुए हम लोग आगामी कल भविष्यत के लिए हम लोग सोच रहे हैं इन दोनों का जोड़ी अगर बने तो आगामी बालेश्वर के लिए उन्नति होगा, रमना का जो मट्टी है वो विकास होगा। इसी चीज़ का कहना चाहते हैं हम आपका माध्यम से, जो तमाम जितना भी हम लोग का दर्शक है, जितना वोटर है, ये हम उनको रिक्वेस्ट करेंगे जो इनको वोट दो, इनको जिताओ, हमारे रमना में विकास होगा, हुआ है इन दोनों का जोड़ी का अंदर में, अभी भी होगा बोल के विश्वास है हम लोग इनको वोट देने के लिए। हमारे साथ राजू भाई हैं। राजू भाई किस तरह देख रहे हैं, क्या इस बार बदलाव होगा क्योंकि बीजेपी में थे, बीजेपी से जो है कांग्रेस में आए हैं, किस तरह का जो है माहौल है यहाँ पे? यहाँ पर माहौल बहुत अच्छा है, हम बीजेपी में थे
हम क्यों कांग्रेस को आए इसका पहले जानना चाहिए। अभी बीजेपी और बीजेडी वो दोनों एक मुद्रा का दो पार्श्व हैं, वो उनका भीतरी अलायंस है, ऊपर में नहीं दिखते हैं। यहाँ पर जो बीजेपी का एमपी दिया गया है, जो बीजेडी का एमपी दिया है, वो भी बीजेपी से आए हुए हैं, उत्पादन होकर आए हैं। इसलिए हमारा यहाँ जो श्रीकांत जैना सर हैं वो 9 से 14 बालेश्वर जिला का और रमना का ज़्यादा से ज़्यादा वो विकास किए हैं। उनका टाइम में हमारा रमना में बहुत डेवलप हुआ है, बालेश्वर मेडिकल कॉलेज, आपका एम्स, तो तामलिया ब्रिज, बहुत नोसी, बहुत विकास काम हुआ है। इस बार जोड़ी को जो है दोबारा आप लोग पुनः जो है हम लोग चाहते हैं विकास, हमारा जो विकास करेगा हम उसका साथ रहेंगे। 2009 से 14 देखें सुदर्शन जना श्रीकांत जना साहब ने बहुत विकास किया है, इसीलिए हम लोग उनका साथ दे रहे हैं। और आगे उम्मीद किया जा सकता है कि रेमना जो है कांग्रेस उम्मीदवार सुदर्शन जना को जो है पर भरोसा करेंगे और कांग्रेस को जीत हासिल होगी, इस तरह का भरोसा किया जा रहा था। इसके साथ अजीम बालेश्वरी, तर्जुमान न्यूज़ टाइम, बालेश्वर, ओडिशा।